पुष्पा राज, मैं झुकेगा नहीं सर। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। हेलो दोस्तों, मैं उमा शंकर, आपको फिर से ट्रिकी बाई वे सुप्ता में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं 12th क्लास का टर्म 1 का 50 क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन लाया हूँ दोस्तों, जो आपको फाइनल एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अभिव्यक्ति और माध्यम के तहत जो क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में आने वाला है, उसी से मैं आपको VBI क्वेश्चन लाया हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, संचार शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा चर धातु से। इसके बाद क्वेश्चन है, यहाँ चर धातु से हो जाएगा, अर्थात चर धातु से बना है। इसके बाद क्वेश्चन है, चर शब्द की उत्पत्ति चर शब्द से हुई। चर का क्या अर्थ होता है? चर का अर्थ होता है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। संचार प्रक्रिया में कोडिंग डिकोडिंग का क्या अर्थ होता है? तो प्राप्त समाचार में निहित अर्थों को समझाना। संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा फील्ड बैंक। प्राप्तकर्ता को फील्ड बैंक कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है, संचार प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ हुई? तो संदेश से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदेश को प्राप्तकर्ता तक पहुँचाने के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है? तो माध्यम की आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम के। एक प्रसिद्ध संचार सुव्यवस्था में किसका होगा? तो विलियम श्रम का। इसके बाद है, जन संचार के लिए अंग्रेजी में कौन सा प्रयुक्त है? तो मास कम्युनिकेशन। इसके बाद संचार प्रक्रिया के सबसे बुनियादी रूप क्या है? अंतः व्यक्तिगत संचार। कक्षा में होने वाली चर्चा या विचार परामर्श किस प्रकार का संचार है? तो समूह संचार, अर्थात यह समूह के अनुसार ही व्यक्त किया जाता है। इसके बाद संचार का सबसे आधुनिक प्रकार क्या है? तो जन संचार, यह आधुनिक प्रकार है। इसके बाद लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? अर्थात मीडिया को। जन संचार के कार्य बताएं, सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, निगरानी करना, विचार परामर्श विमर्श करना। संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को दूर करता है, अर्थात शोर, इसको लोएज भी बोलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है, आलेख एक विद्या है, कैसी विद्या है? तो गद्य लेखन की विद्या है। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है, जन संचार का एक प्रमुख कार्य नहीं है संपादन करना। इसके बाद है, सर्वप्रथम मुद्रण का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? अर्थात चीन से हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, छापाखाना का आविष्कार किसने किया? जर्मन के गुट्सटेवन वर्ग में। भारत में पहला छापाखाना कब खुला? 1556 ईस्वी में। इसके बाद भारत में पहला छापाखाना कहाँ खुला? गोवा में। इसके बाद है, प्रिंट्स मीडिया के अंतर्गत आता है समाचार पत्र। प्रिंट माध्यम में कितने पहलू होते हैं? 3। इसके बाद हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र क्या था? उदंत मार्तंड, मारतंड। इसके बाद है, भारत में छपने वाला प्रथम हिंदी अखबार किसका है? उदंत मार्तंड। इसके बाद उदंत मार्तंड का संपादक कौन है? तो जुगल किशोर कुशवाहा, इसको युगल किशोर भी बोलते हैं, युगल किशोर शुक्ला। इसके बाद हिंदुस्तान दैनिक प्रभात खबर समाचार पत्र है कैसा है? तो हिंदी का। उमर उजाला पत्र है हिंदी का। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार क्या है? बंगाल बजट। बंगाल बजट भारत में किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1780 ईस्वी में। यह जो बंगाल बजट है वह कब प्रकाशित हुआ? तो 1780 ईस्वी में। इसके बाद बंगाल बजट के संपादक का क्या नाम था? जेम्स अगस्टक हिक्की। ऑल इंडिया रेडियो की विभुता स्थापना कब हुई?
तो इसका उत्तर हो जाएगा 1936 ईस्वी में। रेडियो क्या है? श्रव माध्यम, अर्थात इसको हम सुनने वाला एक माध्यम है रेडियो। इसके बाद टेलीविज़न क्या है? श्रव और दृश्य माध्यम, इसमें देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। इसके बाद है भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई? तो 15 सितंबर 1959 ईस्वी को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है, जनसंचार का सबसे नया एवं तेजी से लोकप्रिय हो रहा माध्यम क्या है? इंटरनेट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फिल्मी जनसंचार किस माध्यम के अंतर्गत आता है? दृश्य श्रव माध्यम। इसके बाद है, विश्व की पहली फिल्म कौन सी थी? द अराइवल ऑफ ट्रेन। भारत की पहली मुख्य फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र राजा, यह मुख्य फिल्म है, सॉरी राजा हरिश्चंद्र होगा। इसके बाद राजा हरिश्चंद्र फिल्म का श्रेय किसे है? दादा साहेब फाल्के। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारत की प्रथम बोलने वाली जिसको सवाक फिल्म कौन सी थी? आलम आरा, यह बोलने वाली फिल्म थी। आलम आरा कब बना? 1931 ईस्वी में। आलम आरा 1931 ईस्वी में बना। इसके बाद क्वेश्चन है, किस फिल्म को भारत में बनी पहली समांतर सिनेमा या काला फिल्म माना जाता है? पंथेर पंचाली, पंथेर पंचाली। इसके बाद है, भारत में सिनेमा जगत का प्रमुख केंद्र स्थल कहाँ है? मुंबई। इसके बाद है, पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को, 30 मई को पत्रिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है नेक्स्ट, पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है? जिज्ञासा। पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है? जिज्ञासा। मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता अस्थायित्व। रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तथ्यात्मक और सच्ची घटना पर आधारित। संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है? संपादक के द्वारा। टीचर के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? वो टीचर नहीं, यहाँ पर फीचर होगा। फीचर के लिए हिंदी में कौन सा होता प्रयुक्त होता है? तो रूपक। इसके बाद है, लोकतंत्र का चौथा पाया किसे कहा जाता है? तो चौथा मीडिया को। तो दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और हाँ, मेरे इस चैनल को शेयर करना नहीं भूलेंगे। इसी तरह से मैं आप लोगों को अनेक हर विषय का ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ अन्य क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन दूंगा दोस्तों। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।